संत निरंकारी मिशन द्वारा वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मनाए जा रहे वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ अभियान के तहत निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से आज ग्रीन बेल्ट मौलिया में फलदार वृक्ष लगाए गए, जिसमें आंवला, अमरूद, आम जैसे वृक्ष शामिल थे। श्री नवनीत पाठक जी, संयोजक चंडीगढ़, ने बताया कि वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ ये कार्यक्रम चल रहा है, जो कि दिल्ली में 4 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और यह वन महोत्सव सप्ताह से लेकर प्राकृतिक संरक्षण दिवस तक चलेगा। इसी लड़ी में आज चंडीगढ़ के संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन सदस्यों और सेवा दल में मौलिया की ग्रीन बेल्ट में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सुचारू रखा। संत निरंकारी मिशन द्वारा अनेकों ऐसे कार्य किए जाते रहे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, सफाई अभियान आदि, जो कि श्रद्धालुओं में उत्साह तथा समाज को लाभ करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? दास नवनीत पाठक, चंडीगढ़ में संयोजक की सेवा निभा रहा है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से संत निरंकारी मिशन, जैसे कि हर बरस लाखों लाखों पौधे लगाते हैं सारे ही हिंदुस्तान में, सारे ही भारतवर्ष में, क्योंकि सतगुरु चाहते हैं कि सभी के कल्याण के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि मिशन जो है ये कल्याण की भावना रखता है। जैसा कि आप जानते ही हो कि ये वृक्षारोपण के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप में भी तकरीबन 10-11 लाख यूनिट वर्ल्ड में डोनेट कर चुके हैं। सफाई अभियान में भी जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का आता है, दिल्ली से आदेश आते हैं, वैसे ही सफाई अभियान में भी सारे ही संत मिलजुल करके काम करते हैं, ताकि वातावरण को अच्छा रखा जाए और समाज के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आज यहाँ कितने प्लांट्स लगाए गए हैं और किस किस किस्म के हैं? आज इस पार्क में 50 प्लांट के करीब लगाए गए हैं, जिसमें बहुत सारे फलदार भी पेड़ हैं और फूलों वाले भी हैं, जिसमें गुलबोहर है, आंवले का पेड़ है, आम का पेड़ है और दूसरे पेड़ हैं जो सुंदरता भी बनाएंगे और फलदायक भी हैं। सर, आज संत निरंकारी मिशन के द्वारा यहाँ प्लांट्स लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, प्लांट लगाना एक प्रकृति के लिए बहुत ही उत्तम वो है कि आज जिस तरीके से आज कहूँ तो वातावरण के अनुसार या कोई भी चीज़ें हैं, तो जो समय है बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, तो इसमें जैसे संत निरंकारी मिशन के पहले भी मैं कई सफाइयों के अंदर शायद सबसे बड़ा मिशन है, और इसके अंदर जिस तरीके समाज सेवा की भावना है, शायद मैंने अपने जीवन में किसी भी मिशन के अंदर, किसी भी ट्रस्ट के अंदर या किसी भी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें नहीं देखने को मिली। और जब ये पता लगा तो मैंने समझा कि चलो, मेरा भी सौभाग्य है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस मिशन के साथ मुझे काम करने का, चाहे छोटा सा ही काम हो, काम छोटा है बड़ा, लेकिन एक आदमी को अटैचमेंट और उसका व्यवहार या मेरा कहे तो मेरा समर्पण जो है मिशन की ओर बहुत आकर्षित है, तो ये एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज जिस तरीके से मिशन के अंदर हमारे SDO साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, और हर आदमी को जो है, चाहे किसी भी मौके पर मौका मिले तो हर एक आदमी को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। ठीक है सर। और चंडीगढ़ में लगातार जो अपने कोरोना वायरस के मरीज हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसको अवेयरनेस को लेकर कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सोशल डिस्टेंस रखें और मास्क पहनें और अपना आपको इस चीज़ से बचा कर रखें। ये जब तक आप ये चीज़ स्वयं में अपने अंदर नहीं आप अपनाओगे, तब तक आप किसी को भी सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके अंदर एक ही चीज़ चाहूँगा, सोशल डिस्टेंस और मास्क जो अनिवार्य। अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव